मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 29 जुलाई और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज की वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको पूरे मंथ का एक साथ PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में जो बगल में घंटी होगी बेल आइकन उसको ऑन कर लें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियोज़ मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, पहले वीडियो देखिएगा, यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आज टारगेट रखते हैं दोस्तों 12,000 लाइक्स का, तो आई होप आप लोग पूरा कर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कौन सा राज्य अपना स्वयं का खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करेगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी ओडिशा। देखिए दोस्तों ओडिशा के जो CM है नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की है कि राज्य सरकार इस वर्ष 2 अक्टूबर से अपना खुद का खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करेगी। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि ओडिशा के अपने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लगभग 34 लाख व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बाहर रखा गया है। इससे पहले भी ओडिशा ने 2008 में चावल को 2 रुपये प्रति किलो पर गरीबों को उपलब्ध कराने के लिए एक योजना की शुरुआत की थी। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी पूछा आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कहाँ होगा, ये ओडिशा भुवनेश्वर में होगा। ये जरूर पूछा जा सकता है आपके आगामी एग्जाम्स में, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पे प्रसिद्ध व्हीलर द्वीप है इसका नाम 2015 में चेंज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया था, जिसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर सिम्पलीपाल अभ्यारण्य है ओडिशा में स्थित है, और भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो भारत का चावल अनुसंधान संस्थान है वो कटक में स्थित है। इसके अलावा जो भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों वो हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, ओडिशा में ही। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है, चिल्का झील ओडिशा में स्थित है, ठीक है। क्या नाम है उसको, चिल्का झील ओडिशा में। ये क्वेश्चन तो बहुत बार फेवरेट क्वेश्चन है SSC रेलवे एग्जाम में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसको आपको याद रखना है। उसके अलावा मुचकुंड परियोजना ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच स्थित है। बात करें ओडिशा के गवर्नर की तो वर्तमान में गवर्नर है गणेशी लाल और CM है नवीन पटनायक और राजधानी है भुवनेश्वर। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, ठीक है, राजधानी नया रायपुर। और बात करें यहाँ के CM की छत्तीसगढ़ के, तो वो है रमन सिंह, और गवर्नर है छत्तीसगढ़ के दोस्तों वो हैं बलराम दास टंडन। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपको बताता हूँ। खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पांडवानी जो है दोस्तों ये यहाँ छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रचलित बहुत एकल लोक नृत्य है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों वो हैं तीजन बाई। क्वेश्चन पूछा जाता है तीजन बाई किस लोक नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो वो हैं पंडवानी की, ठीक है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो राजधानी है यहाँ की भोपाल, CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है MP से रिलेटेड, खजुराहो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी, चंदेल वंश के शासकों ने की थी। इसके अलावा यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक से होता है, जिसकी लंबाई टोटल है 1300 किलोमीटर, और ये कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में। इसके अलावा पचमढ़ी जो स्थित है हिल स्टेशन वो MP में स्थित है, और कान्हा नेशनल पार्क MP में है, और बांधावगढ़ नेशनल पार्क भी MP में है, ठीक है। बात करें झारखंड की जो CM है वो है रघुवर दास, और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, और राजधानी है रांची, ठीक है। और दोस्तों इस क्वेश्चन से दोस्तों आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैं हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट शेयर करता हूं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने फेसबुक ऐप से ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से सर्च करिएगा, वहाँ पे फेसबुक पेज आएगा, लाइक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको मैं 1 अगस्त को जनरल साइंस के कंप्लीट करंट अफेयर्स के नोट्स देने वाला हूँ, जिससे आपको हैंड रिटन नोट्स से बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वीडियो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। यदि आपको कोई भी सवाल या सुझाव पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस
एनएसएस दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 28 जुलाई को। ठीक है, देखिए दोस्तों हर वर्ष 28 जुलाई को दुनिया भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दें दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस दिवस लीवर की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस बोझ को कम करने के लिए WHO की एक पहल है। आपको बता दें दोस्तों कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी समेत वायरल हेपेटाइटिस लीवर को प्रभावित करने वाली बीमारियों के एक समूह है। आपको बता दें दोस्तों कि हेपेटाइटिस विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2018 का थीम क्या था? इसकी विषय थी दोस्तों ट्रीट हेपेटाइटिस, टेस्ट ट्रीट हेपेटाइटिस पर केंद्रित है। ठीक है, टेस्ट ट्रीट हेपेटाइटिस। बात करें दोस्तों 9 जनवरी की, तो प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है ये आपको जानना जरूरी है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसी दिन दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका स्वदेश वापस आए थे। और इसके अलावा आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो है तो 2003 से हुई थी। कब से हुई थी? 2003 से। और प्रवासी दिवस मनाने की संकल्पना जो है दोस्तों वो दी थी स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी के दिमाग की उपज है। और यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में कहाँ आयोजित होगा, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। तो ये आयोजित होगा दोस्तों बनारस में। ठीक है, और 2017 का कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? 2017 का आयोजित हुआ था दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटका में। कहाँ आयोजित हुआ था 2017 का? बेंगलुरु कर्नाटका में। और अगला कहाँ आयोजित होगा? बनारस में आयोजित होगा 2019 का। ठीक है, तो प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। ही बात करें दोस्तों 8 मार्च की, तो 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और बात करें 22 मार्च की दोस्तों, तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला नेपाल इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन किस शहर में शुरू होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, काठमांडू में। ठीक है, देखिए दोस्तों दोनों देशों के विचार संगठनों के बीच अधिक ज्ञान साझा करने के लिए पहला नेपाल इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन काठमांडू में शुरू होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि भाग लेने वाले संगठनों के लिए वार्षिक आयोजन बनाने के लिए प्रस्तावित शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष नेपाल और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है नेटवर्क का समर्थन करना और संस्थागत सहयोग के माध्यम से पारस्परिक समझ को बढ़ावा देना है। बात करें दोस्तों काठमांडू की, तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और नेपाल के जो वर्तमान टाइम पे प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी जी, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के वो हैं KP शर्मा ओली जी। ठीक है, तो पहला नेपाल इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन किस शहर में शुरू होगा? ये होगा काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में रेणु सट्टी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस बैंक की CEO थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। देखिए दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक की CEO रेणु सट्टी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वे पेटीएम की नई खुदरा पहल का नेतृत्व करेंगी। इससे पहले उन्होंने कई व्यवसायों को समर्थन किया जिसमें मार्केट प्लस, फिल्म टिकट और पेटीएम पेमेंट्स बैंक शामिल हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, तो पेटीएम के बारे में आपको बता दें कि पेटीएम जो है भारत की ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट, इसके साथ साथ डिजिटल वॉलेट कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2010 में। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो पेटीएम के संस्थापक थे दोस्तों विजय शेखर शर्मा। आप में से काफ़ी लोग यूज़ भी करते होंगे पेटीएम, तो इसके संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा UP में। ठीक है, तो पेटीएम क्या है? भारत में एक ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है और उसके साथ साथ डिजिटल वॉलेट कंपनी। ठीक है, तो हाल ही में रेणु सट्टी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, किस बैंक की CEO थी? तो वो थी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। अगला दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी को इंफ्रा आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है ONGC। देखिए दोस्तों ONGC को इंफ्रा आइकॉन में ग्लोबल एनर्जी श्रेणी में इंफ्रा आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ONGC को देश को पूरी तरह से उन्नत करने में इसके बहुमूल्य योगदान की मान्यता में शीर्ष कॉरपोरेट स्तर का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा दोस्तों ONGC दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खोज और उत्पाद कंपनी है। ONGC का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्या है फुल फॉर्म? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है दोस्तों वो है शशि शंकर जी, और इसकी स्थापना हुई दोस्तों ONGC की 19 अगस्त 1956 को। ONGC का हेडक्वार्टर है देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपको ONGC के बारे में पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हाल ही में किस कंपनी को इंफ्रा आइकॉन पुरस्कार सम्मानित किया गया? ONGC को। ठीक है, कोच पर्वत पर चढ़ाई की है। राइट आंसर ऑप्शन सी, माउंट किलिमंजारो। देखिए दोस्तों शिवांगी पाठक ने
अफ्रीका के सर्वोच्च पर्वत माउंट किलिमंजारो पर 3 दिनों में चढ़ाई की है। इसके अलावा आपको बता दें, तंजानिया के माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई जो है 5,895 मीटर, कितनी है इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर, और वह हरियाणा से हैं और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला भी हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है, वो है शिवांगी पाठक। और अभी इन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च पर्वत माउंट किलिमंजारो पर जो है तो चढ़ाई की है इन्होंने। ठीक है, चलिए, तो हाल ही में शिवांगी पाठक ने अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत चढ़ाई की है माउंट किलिमंजारो पर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कल का आंसर। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, इनमें से किन दो भारतीयों को मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगामी एग्जाम से जरूर पूछा है, क्योंकि ये दो इंडियंस थे, सोनम बांगचूक और भारत वाटवानी को। ठीक है, और मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में तो आपको मैं कल बताया था, यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं आज का सवाल, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन शुरू किया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग सपोर्ट करने के लिए कम से कम एक कमेंट करिएगा इसका आंसर पता है, साथ ही साथ एक अच्छा सा कमेंट हौसला बढ़ाने के लिए जरूर कीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट किया करिए दोस्तों, काफ़ी जो है तो अच्छा लगता है आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आपको आगामी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, ऐसी आप हमारी वीडियोस देखते रहिए। यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखी, जस्ट यहाँ पे प्ले होगी, देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप दोस्तों पूरे 6 माह के, पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्ले होगी, उसको देख सकते हैं, चैनल प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। मैंने अभी कल अपलोड की है पार्ट टू उसका, उसका पार्ट फर्स्ट 2 दिन पहले अपलोड किया था, जरूर देख लें यदि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।